नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। विस्तार से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। आनंदम दिवस के मौके पर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने आयोजित की एक दिवसीय कार्यशाला। ब्रह्मकुमारी संस्थान को विशेष आमंत्रण, राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री भी हुए शामिल। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर की 20वीं सालगिरह पर समारोह, संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भेजे अपने शुभकामना संदेश। अहमदनगर में आयोजित 5 दिवसीय हीलिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम की सफलता पर आयोजन, शहर के कई जाने माने चिकित्सक हुए शामिल, कार्यशाला की जमकर की प्रशंसा। और आखिर में ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से संचालित रेडियो मधुबन 90.4 FM ने शुरू किया विशेष कार्यक्रम, सही पोषण की जागरूकता लाने का प्रयास। उदयपुर स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा स्थित गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय और ब्रह्मकुमारी संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित आनंदम दिवस के अंतर्गत एक दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला का आगाज हुआ। यह कार्यशाला उदयपुर से संचालित की गई थी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की प्रमुख शासन सचिव डॉक्टर सूची शर्मा, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह, ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शिक्षा प्रभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बीके मृत्युंजय, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आईवी त्रिवेदी शामिल हुए। व्यक्ति के जीवन से आनंद कहाँ चला गया है, कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली या पाठ्यक्रम में कोई कमी तो नहीं है। इन्हीं दो बिंदुओं पर बुद्धिजीवियों ने सर्वप्रथम चर्चा की और हाल ही में ब्रह्मा कुमारी संस्थान और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बीच हुए MOU को भविष्य के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कदम बताया। ईमानदारी, निष्ठा, समर्पण, सदाशयता, उदारता, इन सबको हम छात्रों के जीवन में, अपने जीवन में विकसित करें। निरंतर प्रतिदिन कोई ऐसा काम करें जिसको करके हम आनंदित हों। ये मूल प्रश्न है, क्या कारण है कि इतने अधिक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय खोले जाने के बावजूद भी हम आज इस समस्या से ग्रसित हैं, आनंद हमको कहीं दिखाई देने नहीं। ये पाठ्यक्रम जो हम लोगों ने जो आज से शुरुआत किए हैं 7 दिसंबर को, ये भारत के इतिहास में ये दर्ज होगा और दुनिया भी इसका अनुकरण करेगी। हमें पूरा विश्वास है कि जो हम लोगों ने आज ये शुरू किया है 7 दिसंबर, ये आनंद दिवस के रूप में याद किया जा रहा है। बीके मृत्युंजय ने अपने वक्तव्य में कहा कि शिक्षा का असली उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है और ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा दी जाने वाली शिक्षा इसमें सक्षम है। शिक्षा माना चरित्र निर्माण करना, शिक्षा माना मेरे दृष्टि से टू मेक एन इंडिविजुअल पावरफुल बीइंग, शक्तिशाली आत्मा बनाना, पवित्र आत्मा बनाना, शांति स्वरूप आत्मा बनाना, ये हमारा शिक्षा का मूल उद्देश्य है। और साथ साथ में हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी बीयर, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये भी हमारा शिक्षा का मूल उद्देश्य है। गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर की 20वीं सालगिरह समारोह की शुरुआत शांति व पवित्रता की शक्तिशाली प्रकंपन फैलाकर की गई। आगे रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा ने सभी के समक्ष एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें 194 उन कंपनियों व ऑर्गेनाइजेशन के नाम थे जिनके लिए लॉकडाउन के दौरान रिट्रीट सेंटर के द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। बहुत ही ब्रीफ रिपोर्ट सी आई है। लॉकडाउन के दौरान जो कार्यक्रम विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के लिए किए गए वो थे 194, 194 राज्यों का मेडिटेशन कोर्सेस जो किए गए वो 21 थे, 21 बैच, और उसमें 850 ने लाभ लिया। आगे संस्थान के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी, संस्था के महासचिव बीके निर्वैव, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, दिल्ली स्वीफोर्ट सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गीता, दिल्ली शक्तिनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके चक्रधारी के शुभकामना संदेश दिखाए गए। ORC के सभी समर्पित भाई बहने, सेवादारी, सभी कनेक्शन सेंटर्स
आप सभी ऐसे ही सेवा करते, दुआएं देते, दुआएं लेते आगे बढ़ते रहे। वारसी निवासियों ने बाप दादा को सारे विश्व में प्रत्यक्ष किया है, उसके लिए मैं आप सबको कोटि कोटि मुबारक दे रहा हूँ। और आपका ये 20 वर्ष की जो यात्रा है बहुत ही सफल यात्रा रही है। प्रतिभा पाटिल जी जो कि पहली महिला राष्ट्रपति थी, वो विशेष तौर पे आई। मिस्टर आर वेंकट रमन जो वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के, उन्होंने भी यहाँ विजिट किया। और अनेका अनेक जज, मंत्री, यूनियन मंत्री, स्टेट मंत्री इत्यादि यहाँ पर विजिट करते रहे, जिससे कि उनको ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं का फर्स्ट हैंड उन्होंने अवलोकन किया। और इससे संस्था का मान भी बढ़ा और उनको भी ज्ञात हुआ इस प्रकार की एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जो कि महिलाओं के द्वारा संचालित है और जिसका लक्ष्य सर्वश्रेष्ठ चरित्र निर्माण का है, मूल्यों को जीवन में लाने की शिक्षा देने का है, ये लक्ष्य अच्छी तरह से प्राप्त हुआ। जो भी ओआरसी जाएगा खुश होके आएगा, क्योंकि आप सभी जो सेवा करते हैं खुशी से करते हैं, तो उस वातावरण में जाकर के भी उनको खुशी मिलती है, प्यार मिलता है बाबा के, एकदम से उनको बाबा के कमरे में बैठ के, पिरामिड में बैठ के एकदम उनको लगता है जैसे हम उड़ रहे हैं। वो ऐसी बाल्यकाल से लेकर अपने बहुत फलते फूलते खुशनुमा परिवार के रूप में दूर दूर देश विदेश के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं करते हुए बहुत बहुत आगे बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पर हर प्रकार का मांगलिक हरियाली खुशहाली वातावरण है और ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं इसकी नींव है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में ब्रह्मा कुमारीज के हीलर ग्रुप, आनंद ऋषिजी हॉस्पिटल और रोटरी क्लब के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 5 दिवसीय हीलिंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम काफी सफल रहा। इसी उपलक्ष में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अमित, अतिरिक्त सिविल सर्जन डॉक्टर महावीर कटारिया, डॉक्टर सुधा कांकरिया, डॉक्टर प्रकाश कांकरिया समेत कई अन्य डॉक्टर्स मुख्य रूप से मौजूद रहे और कार्यशाला की सफलता के विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, आत्मभान में आते हैं, आत्मा समझ परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, तो वो हीलिंग की मैक्सिमम एनर्जी क्रिएट होती है। वो हम खुद के लिए जब यूज़ करते हैं तो सेल्फ हीलिंग होता है, दूसरों के लिए प्रवाहित करते हैं, रेडिएट करते हैं, तो वो डिस्टेंट हीलिंग होता है। ये दोनों ही सेवाएं यहाँ पर चालू है, चालू रहेंगी। राजयोग ते म्हणतात, म्हणजे टू मैनिफेस्ट दिस डिवाइन कंट्रोलिंग द नेचर विच इज आउटसाइड, विच इज एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। हम पॉजिटिव थिंकिंग कैसे करें, ये मैंने ये पिछले 5 दिनों में सीखा है। फॉर एग्जाम्पल, हीलिंग वाटर है, हीलिंग सॉन्ग्स है, अगर हम वो प्ले करते हैं, हम अच्छा सोचते हैं, हम जब घर में खाना बनाते हैं तब जो थॉट्स जो हमारे आते हैं, तो वो अगर अच्छे रखें हम, तो हम वो छोटी छोटी चीज़ों से हम ये पॉजिटिव एनर्जी, ये पॉजिटिव थॉट्स, इनर एनर्जी को चार्ज कर सकते हो। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर प्रकाश कांकरिया ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया और ट्रेनिंग में भाग लेने वाले लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा एकमात्र सामुदायिक रेडियो केंद्र रेडियो मधुबन 90.4 FM द्वारा स्थानीय समुदाय के अंदर सही पोषण के बारे में जानकारी देने हेतु एक विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम आबू रोड के बघेरी में महिला एवं बाल विकास विभाग की आशा कर्मियों और कार्यकर्ताओं के साथ सेक्टर सुपरवाइजर कल्पना शर्मा, रेडियो मधुबन से बीके कृष्णा और सामुदायिक कार्यक्रम संयोजक आरजे पवित्र की मौजूदगी में हुआ। चलिए इसकी विस्तार से जानकारी लेते हैं स्टेशन हेड बीके यशवंत से। पोषण की पोटली, जिसके तहत हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे और 12 प्रोग्राम हम लोग इस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, जो कि क्या खाए, कब खाए और कितना खाए, ये सब चीज़ें इस न्यूट्रिशन में, पोषण में हम लोग सबको बताएंगे।
और हम लोग 12 जगह प्रोग्राम करेंगे सिरोही ज़िले में, और वो प्रोग्राम को रिकॉर्ड करेंगे और उसको फिर ब्रॉडकास्ट करेंगे ताकि इसका फ़ायदा सभी सुनने वालों को होगा। और ये हमारा रेडियो ऑनलाइन भी चलता है तो ये पूरा दुनिया में इसके फ़ायदा सबको हो जाएगा। ऐसे ये ऑर्गेनाइजेशंस हमको, जैसे यूनिसेफ है, स्मार्ट है जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से प्रोजेक्ट है ये, और एक एनजीओ है स्मार्ट, उनका ये मिलके हम लोग सहयोग से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित सेक्टर कोऑर्डिनेटर कल्पना शर्मा ने रेडियो मधुबन के इस पहल की महिमा की। इस प्रसारण के तहत एनीमिया के लक्षण और बचाव, गर्भवती महिलाओं के उचित खानपान जैसे कई मुद्दों पर जानकारी दी जाएगी। विशेषकर बच्चों के लिए उचित आहार और सही पोषण पर भी मार्गदर्शित किया जाएगा। मुख्यालय माउंट आबू से हरियाणा पुलिस पर्सोनल के लिए संस्था के सुरक्षा सेवा प्रभाग द्वारा ऑनलाइन राजयोग सत्र का आगाज किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता मुंबई से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके दीपा थी। बीके दीपा ने इस दौरान राजयोग की विधि और प्राप्तियों पर विस्तार से चर्चा की। वायरलेस है या जो भी सिस्टम है कम्युनिकेशन के, मोबाइल के साथ साथ, वो सभी को चार्ज करना तो जरूरी है क्योंकि यूज करना है सारा दिन। ऐसे ही जब हमें अपने मन और बुद्धि को सारा दिन कारोबार में प्रयोग करना है तो इसको भी चार्ज करना आवश्यक है, इसको भी सशक्त करना आवश्यक है। जैसे हमने सुबह सुबह शरीर को भी स्वच्छ किया और शक्तिशाली बनाया, कुछ न कुछ भोजन आदि ऊर्जा के रूप से इसको दिया। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा दुआओं से बीमारी व समस्याओं का निराकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वर्तमान समय के दुख, अशांति, तनाव और कोरोना जैसे घातक बीमारियों से निजात पाने के लिए कैसे शांति की शक्ति, योग शक्ति और दुआएं असर करती है, इसकी जानकारी वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके नारायण ने दी। एक समय था कि जब इंसान अपने पुण्य कर्मों से वो सुख शांति का जीवन व्यतीत करता था, उसके जीवन में न चिंता, न भय, न डर, न बीमारी, न समस्याओं का नाम निशान हुआ करता। आज ये एहसास हो रहा कि पैसा भी कोई काम नहीं। आज अगर कोई चीज काम आ रही है दुनिया में सिर्फ दुआएं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर कन्हैया लाल पोरवाल एवं स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी भी मौजूद रही। संस्था के युवा प्रभाग एवं पुणे के पिसौली स्थित जगदम्बा भवन द्वारा एम्प्लीफाइंग योर इनर पावर थीम के तहत पावर ऑफ मेडिटेशन विषय पर विशेष युवाओं के लिए ऑनलाइन वेबिनार रखा गया। इस वेबिनार के मुख्य वक्ता रहे मुख्यालय से राजयोग शिक्षक बीके रूपेश, जिन्होंने सभी पार्टिसिपेंट्स को राजयोग मेडिटेशन को रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बनाने एवं प्रतिदिन इसका अभ्यास करने की अपील की। मेडिटेशन का अर्थ ही है, मेडिटेशन अर्थात नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले चलने वाली एक पद्धति, एक प्रोसेस। अगली खबर आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक के बेलगाम एवं ओडिशा के कटक की, जहां विश्व मृदा दिवस पर सेवा केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। बेलगाम में जहां सब जोन प्रभारी बीके अंबिका के निर्देशन में हुए कार्यक्रम में एग्रीकल्चर के उपनिदेशक एचडी को लेकर एग्रीकल्चरल ऑफिसर आरती नाइकर की उपस्थिति रही एवं सभी ने धरती माँ के प्रति प्यार, सम्मान और सुरक्षा की शपथ ली। तो वहीं ओडिशा के कटक में सब जोन की सह संचालिका बीके सुलोचना ने कृषकों को संबोधित करते हुए उन्हें शाश्वत योगिक खेती को अपनाने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर कंटापड़ा ग्राम पंचायत समिति के उपसभापति सुदर्शन राउड़ राय भी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित गरीब मजदूर पाठशाला शाखा में बच्चों के लिए चरित्र निर्माण एवं मूल्य शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे संबोधित करने के लिए मोटिवेशनल ट्रेनर बीके प्रहलाद एवं समाज सेवक एसपी बत्रा को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में बीके प्रहलाद ने बच्चों को योग एवं ध्यान का जीवन में महत्व बताते हुए राजयोग ध्यान की गहन अनुभूति कराई। तो वही अंत में सभी बच्चों को मास्क, मिठाइयाँ, शैक्षणिक सामग्री एवं गर्म कपड़े वितरित किए गए। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।